सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो में स्वागत है। नवंबर 2019 में सीए फाउंडेशन का जो पेपर हुआ था उसमें बिजनेस मैथमेटिक्स के पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स ने बताए हैं उनको सोल्व कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड मैं कुछ वीडियो पहले भी बना चुका हूँ टॉपिक वाइज। इन वीडियो से आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा और आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर में कैसे और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनका सोल्यूशन भी आपको जो है मिल जाएगा। तो आप लगातार वीडियो को देखते रहें। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो फंक्शंस और अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उनके लिए मैंने वीडियो बनाए हैं। इस वीडियो में भी हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनमें टॉपिक मैं बताता हूँ। एक तो सीरीज है, सीक्वेंस है और कुछ फंक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द सम ऑफ सीरीज 1/2 + 1/3² + 1/2³ + 1/3⁴। ये आपके सामने सीरीज है और डैश 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 दे रखा है, इसका मतलब ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। और इनफाइनाइट सीरीज का जो सम है जीपी में बहुत इजी मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। देखें तो हम देखते हैं कि ये जो सीरीज है दो अलग अलग इनफाइनाइट जीपी सीरीज से मिलकर बनी है। आप देखें, एक तो 1/2 और 1/2³, इस तरह से ये वैल्यू आगे चलती रहेगी। एक सीरीज़ है और ये सेकंड सीरीज है 1/3² + 1/3⁴। ये सीरीज़ आगे चलती रहेगी, ठीक है। तो इन दोनों सीरीज़ को मैं अलग कर लेता हूँ। फर्स्ट सीरीज़ आपके पास आ जाती है 1/2 + 1/2³ + इनफाइनाइट टर्म्स + 1/3² + 1/3⁴ इनफाइनाइट सीरीज़। इस तरह से दो सीरीज़ जो है हमारे सामने आ गई हैं। इनफाइनाइट सीरीज़ के लिए फॉर्मूला है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी सीरीज़ a/(1 - r) फॉर्मूला होता है। यहाँ पर r की जो वैल्यू है वो मतलब नेगेटिव r या पॉजिटिव r, r की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की जो वैल्यू है वो एक से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ए होगी फर्स्ट टर्म और आर होगा कॉमन रेशो, ठीक है। ये वैल्यू जो है एक से कम है तो ही जो है हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, यहाँ पर जो ए की वैल्यू है इस क्वेश्चन में, ए की वैल्यू है 1/2 और इसमें आर की जो वैल्यू है 1/2³/1/2, इस तरह से 1/2⁴। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 1/2² और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4। ये हमारे पास फर्स्ट सीरीज़ के लिए आर की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड सीरीज़ के लिए ए की वैल्यू है 1/3² देन 1/9 और आर की वैल्यू है 1/3² तो ये भी हमारे पास कितने आ जाएगा, 3² / 3⁴ देन 1/3² 1/9। इसके लिए हमारे पास r की वैल्यू 1/9 आ जाएगी। तो फॉर्मूला फॉलो कर देता हूँ, a/(1 - r) और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। a/(1 - r) को मैं फॉलो कर देता हूँ इन दोनों सीरीज में, a/(1 - r), ठीक है। और यहाँ पर a/(1 - r), तो इन दोनों को मैंने वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू मैंने रख दी है। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है 1/2 और 1 में से 1/4 मैं माइनस करता हूँ तो 3/4 प्लस ये आ जाएगा 1/9 और 9 एंसम देन ये आ जाएगा 8/9 और इन दोनों को जब मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है, ये आ जाएगा 1/2 × 4/3 प्लस ये आ जाएगा 1/9 × 9/8, 9 से 9 कैंसिल 2 2 = 4, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2/3 + 1/8, एलसीएम आया 24, तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 8, 8 2 = 16 + 1, sorry 3, बिकॉज 8 से डिवाइड करूँगा 24 को तो 3 आ जाएगा, देन इसका आंसर आ जाएगा 19/24। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा 19/24। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है दो जीपी सीरीज जिन्हें इनफाइनाइट टर्म्स थी का सम दे रखा था और उसको इस तरह से मिला के दे रखा था ताकि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज हो जाए। यदि वो रेगुलर
जो टर्म्स है उसको देखेगा तो उससे मिलेगा कि ना तो ये ईपी सीरीज है ना ही जीपी सीरीज है, ठीक है। तो इसको हमको थोड़ा सा इस तरह से सोल्व करना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द सीरीज 25 5 1 सोन 1/3 1 2 5 विच टर्म इज 1/3 1 2 5 दैट इज जीपी सीरीज, देन फर्स्ट टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज कितना हो जाएगा 25, कॉमन रेशो फाइंड करते हैं, नेक्स्ट टर्म 5 है उसमें फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/5, सेकेंड टर्म में को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो आर की वैल्यू आ जाती है 1/5, ये हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन रेशो आ जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 25, एंथ टर्म्स का फॉर्मूला, एंथ टर्म का फॉर्मूला जीपी सीरीज में होता है टी एन इजिकल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन, और ये आपको गिवन है 1/3 1 2 5, ए की वैल्यू आपके सामने है 25, आर की वैल्यू है 1/5 टू द पावर n-1 और यह आ जाएगा 3 1 2 5, देन 1/5 टू द पावर n-1 1/3 1 2 5 × 25, ठीक है। अब 3 1 2 5 और 25 की को हम कैसे सोल्व करते हैं, देखो आप 3 1 2 5 को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 6 5 2 6 25 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो 125 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 आ जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि 3 1 2 5 हो जाएगा 5 टू द पावर 5, ओके। और 25 को हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2, तो इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो 1/5 की पावर n-1 5 टू द पावर 5 × 5 टू द पावर 2, तो हमने देखा 1/5 की पावर n-1 इक्वल हो जाएगा 1/5 टू द पावर 7, तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा तो n माइनस वन की वैल्यू हमारे सामने आती है 7, देन n की वैल्यू 7 + 1 तो n की वैल्यू हमारे सामने आती है 8, तो 8th टर्म की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/3 1 2 5, तो इस तरह से nth टर्म का फॉर्मूला जीपी सीरीज में हम लगा सकते हैं और सीरीज भी आपके समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, कंफ्यूजन जरूर होता है ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को, तो इसका मैं बेस और इसका कंफ्यूजन दोनों दूर कर देता हूँ, आओ समझते हैं इस क्वेश्चन को। आपको गिवन है f(x-1) और f(x-2), f0 और f1 की वैल्यू इसने 0 और 1 दे रखी है और x की वैल्यू स्टार्ट है 2 3 4 से आगे तक और f7 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं, देखो f7 जब मैं x की वैल्यू 7 रखता हूँ, अब समझे जब मैं x की वैल्यू 7 रखता हूँ तो f7 आ जाता है, तो इधर आ जाएगा f7-1 + f7-2, इसका मतलब ये आ जाएगा f6 और f5, ओके। जब मैंने 7 की वैल्यू फाइंड करनी है तो f6 और f5 की वैल्यू पता होनी चाहिए, मेरे पास ओनली 2 वैल्यू है f0 और f1, ठीक है। तो इसका मतलब जब मुझे f6 की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो ये f6-1 + f6-2, तो f6-1 मेरे पास वैल्यू आ जानी चाहिए f5 की और f4 की, ठीक है। और जब मुझे f5 की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 में से 4, f4 और f3 की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए और f4 के लिए मेरे को पता होनी चाहिए f3 और f2 की वैल्यू, क्योंकि ये कह रहा है कि जो नेक्स्ट टर्म है वो पिछली दो टर्म का सम दे रखा है, ठीक है। तो इसी तरह से f3 की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो f2 और f1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, इसी तरह से f2 की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो दो कम तो f से एक कम कर देंगे तो f1 और f0 की जो वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तो लास्ट में हम 1 और 0 तक पहुंच चुके हैं। तो इसकी वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो देखें 1 की वैल्यू हमको 1 गिवन है और 0 की वैल्यू हमें 0 गिवन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,
ठीक है। तो एफ टू की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसमें जब एफ टू की वैल्यू मैं जो हमें आई 1 रखता हूँ और एफ वन की वैल्यू जो मैं 1 रखता हूँ, तो मेरे पास एफ थ्री की वैल्यू, एफ थ्री की वैल्यू कितनी आ जाती है, एफ टू आ जाती है। इसी तरह से एफ फोर की वैल्यू जो मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर पहुँचने के लिए मुझे इन सब स्टेप्स की जो है आंसर या इनकी वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। एफ फोर की वैल्यू जब मैं फाइंड करता हूँ तो एफ थ्री की वैल्यू कितनी है आपके सामने, 2, और एफ टू की वैल्यू कितनी है, 1, तो मेरे पास आ जाएगा 3। और एफ फाइव की जब मैं वैल्यू फाइंड करता हूँ तो एफ फोर की वैल्यू जो अभी अभी मैंने ली 3, और जो है एफ थ्री की वैल्यू, एफ थ्री की वैल्यू मेरे सामने है 2, तो ये आ जाएगा 5। इसी तरह से एफ फाइव की वैल्यू मेरे सामने आ गई 5, और एफ फोर की वैल्यू मेरे पास है 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 8। और इसी तरह से एफ सेवन की वैल्यू, एफ सिक्स की वैल्यू जो अभी अभी मैंने फाइंड करी है 8, और एफ फाइव की वैल्यू, एफ फाइव की वैल्यू मेरे सामने है 5, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 13। तो इस तरह से मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। और आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि ये सीरीज़ फाइबोनैसी सीरीज़ है। फाइबोनैसी सीरीज़ क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको। फाइबोनैसी सीक्वेंस हम इसको बोल सकते हैं। जो नेक्स्ट टर्म है लास्ट टू टर्म्स के सम के इक्वल होती है। इफ़ ए टर्म्स इज इक्वल द सम ऑफ लास्ट टू टर्म्स, ठीक है। और ये हमेशा शुरू होती है, देखो अलग अलग है, एक तो हेमचंद सीरीज होती है, हेमचंद सीक्वेंस, सीक्वेंस बोल सकते हैं हम इसको, हेमचंद सीक्वेंस जो 0 से स्टार्ट होता है, और जो है फाइबोनैसी सीक्वेंस 1 से स्टार्ट होती है। यहाँ पर हमारे पास 0 से स्टार्ट है, तो F0 की वैल्यू जो है हमारे सामने है, F0 की वैल्यू है 0, और F1 की वैल्यू है 1, तो F2 की जो वैल्यू आएगी हमारे सामने इन दोनों का सम आएगा। देखा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको गिवन है fx = fx-1 + fx-2, तो इसलिए इन दोनों का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से F3, फिर F4, फिर F5, फिर F6, फिर F7, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे F7 तक जाना था, तो इसको मैं दूसरे मेथड से भी कर सकता हूँ। इन दोनों को मैंने प्लस किया, कितना आया, 2 आया। इन दोनों को जब मैं प्लस करता हूँ तो मेरे पास 2 आता है। इन दोनों को जब मैं प्लस करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, मेरे पास 3 आ जाएगा, ओके। और इन दोनों को जब मैं प्लस करता हूँ, तो मेरे पास आ जाता है 5। 5 और 3 कितना जाएगा, 8, 8 और 5 कितना जाएगा, 13। तो इस तरह से मेरे पास F7 की वैल्यू आ जाएगी 13। तो इस तरह से मैं भी, यदि मुझे सीक्वेंस के बारे में पता है कि ये सीक्वेंस क्या है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो आसानी से मैं इन क्वेश्चन को कर सकता हूँ, इन क्वेश्चन को समझ सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको एक नए सीक्वेंस के बारे में पता होगा, फाइबोनैसी सीक्वेंस के बारे में पता होगा। तो इस तरह से इसकी F8 की जो टर्म्स आएगी लास्ट टर्म, तो ये बिल्कुल इजी और शॉर्टकट मेथड है, ये जो मैंने आपको बताया है ये बिल्कुल इजी और शॉर्ट मेथड है, ठीक है। और मैंने कंसेप्ट आपको इसलिए बताया है कि यहाँ पर ये फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो इस फंक्शन में सपोज दैट यहाँ पर 1, 2 ना देके और कुछ दे दे, जैसे मान लो इधर +1 दे दे, या सॉरी इधर -2 दे दे, इधर -4 दे दे, डिफरेंस दे दे, तो फिर हम फाइबोनैसी सीक्वेंस के द्वारा इसको नहीं कर पाएंगे, हमको ये मेथड ही जो यूज़ में लेना पड़ेगा। इसलिए कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि गेम शॉर्टकट नहीं, हमको कंसेप्ट समझना है तभी हम क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे। तो आप इसको समझो, हो सकता है ये 3 टर्म्स भी दे दे आके, तो उसके अकॉर्डिंग हमको इस मेथड को फॉलो करना ही पड़ेगा, लेकिन इससे हम पहचान सकते हैं कि फाइबोनैसी सीक्वेंस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके एग्जाम में आ चुका है, ये कह रहा है fx गिवन है आपको x इफ x लेस देन 0, 0 इफ x इक्वल टू 0, और x स्क्वायर इफ x ग्रेटर देन 0। और ये कह रहा है कि जो fx की वैल्यू x बराबर 0 पर एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर देखने से मुझे पता चल रहा है, ठीक है। तो fx x टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, इस कंडीशन में जब हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तीनों टर्म्स में, जैसे मान लो सपोज करो ये x लेस देन 0 कह रहा है, लेकिन हम इसमें x बराबर 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, x बराबर 0 पर भी इसकी वैल्यू 0 है, और यहाँ पर थर्ड टर्म्स में भी हम x बराबर 0 रखते हैं तो भी 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो
हम कह सकते हैं तीनों वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, एक्स बराबर जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, क्योंकि तीनों वैल्यू की जो तीनों इक्वेशन है उनका जो आंसर है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं। ये कहलाती है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये इक्वल वैल्यू मेन वैल्यू, और ये कहलाती है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों की तीनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, इसका हम लोग ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है और इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके सामने, जीरो आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, जो एफ एक्स आपको दे रखी है एक्स प्लस थ्री, इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू फोर, और के है के जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, और ये कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू फोर एफ एक्स एग्जिस्ट करता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी, जैसे इसमें हमने वैल्यू रखी तो तीनों वैल्यू जीरो आ रही है, तो ही हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जीरो है। सपोज दैट के यहाँ पर इसकी वैल्यू जीरो नहीं आती, यहाँ पर एक्स प्लस वन होता, ठीक है, और इसकी वैल्यू जीरो आती, दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही है, या ये दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही है, ये दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही है, या तीनों वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू एक्स बराबर जीरो पर, या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो हमारा डज नॉट एग्जिस्ट आ जाता है। तीनों इक्वेशंस में या दो इक्वेशन आपको गिवन है, यदि वैल्यू रखने से सेम वैल्यू आएगी तो ही वो क्या है, एग्जिस्ट होगा। इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट दे रखा है, इसका मतलब एक्स बराबर चार पर दोनों की दोनों वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी, तो मैं दोनों वैल्यू में, दोनों इक्वेशंस में, यहाँ पर तो एक्स है नहीं तो ये तो के ही रहेगा, और इसमें मैं एक्स की जगह क्या रख सकता हूँ, फोर रख सकता हूँ, तो फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू के, देन के की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ जाएगी, सेवन आ जाएगी। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो आपको इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, यदि तीनों में एक्स बराबर जीरो रखने से तीनों वैल्यू सेम आ रही है तो इसकी वैल्यू जीरो होगी, जो सेम आएगी, ठीक है, जीरो आ रही है तो जीरो हो जाएगी, वन आती तो वन हो जाती, टू आती तो टू हो जाती, लेकिन इनमें से किसी एक का भी वैल्यू सेम नहीं आए सेकेंड इक्वेशन से, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट आता इसका आंसर। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको और समझा देता हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप ये क्वेश्चन देखिए, आपको एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स प्लस वन, यहाँ पर जीरो और ये एक्स स्क्वायर, जब मैं तीनों में जीरो रखता हूँ एक्स की वैल्यू क्या रखता हूँ, जीरो, तो देखो फर्स्ट में मैंने जीरो रखा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो प्लस वन बराबर वन, और इसमें जीरो आ रहा है और इसमें जीरो का स्क्वायर बराबर जीरो आ गया है ना, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये जो वन वैल्यू है वन, ये इन दोनों के इक्वल नहीं है, जीरो और जीरो के इक्वल नहीं है, वन नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका आंसर ये होता। तो इस तरह से आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, मैंने तीन क्वेश्चन के द्वारा आपको ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है। ये हालांकि लास्ट सिलेबस से जो है क्वेश्चन है सीपीटी और सीए फाउंडेशन में एक टॉपिक था कंटिन्यूटी और डिफ्रेंसिबिलिटी, उस से रिलेटेड ये टॉपिक है, बट ये फंक्शन में भी इसने दे दिया, तो इसका मतलब हमको थोड़ा बहुत इधर उधर की नॉलेज भी होनी चाहिए, जो लास्ट सिलेबस हमारे पास था उससे भी रिलेटेड कुछ कंसेप्ट, छोटे कंसेप्ट हमें तैयार होने चाहिए परफेक्ट नंबर फाइंड करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा, लगातार आप वीडियो को देखें। इस वीडियो में कुछ दो तीन क्वेश्चन आपके लिए बहुत खास है, बिल्कुल अलग हटके हैं, तो आप पूरी बुक भी तैयार कर लें तो भी आपको उन क्वेश्चन में, जैसे फाइबोनाची सीक्वेंस के बारे में मैंने आपको बताया, और ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एज ए कंटिन्यूटी के बारे में मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लगातार वीडियो को देखते रहें और आगे से आगे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को। वीडियो से आपको लॉस नहीं होने वाला है, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो। थैंक यू।